घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, टाइटल से आपको थोड़ा विवादित लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ उल्टी बात बोली जा रही है, मगर ऐसा है नहीं। थोड़ी सी ये समझ लीजिए, संगीत में मानसिकता पर एक मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ कि कैसी हमारे कलाकारों की मानसिकता होती है, क्या सोच होती है जो उन्हें ऊंचाई तक ले जाती है, एक बुलंदी पर, एक मकाम पर पहुंचाती है। हर किसी को संगीत में बड़ा बनना है, एक सेलिब्रिटी बनना है हर किसी को, और हर एक कलाकार का अपना एक आइडल होता है, एक ऐसा कलाकार होता है या ऐसा एक इंसान होता है जिसको वो बहुत मानते हैं कि, और कई बार दर्जा इतना ऊँचा दे देते हैं कि उसे अपना भगवान मानते हैं, है ना, कि वो सबसे बढ़कर है, उससे ऊपर कोई नहीं मेरे लिए, ये कलाकार या ये फलां व्यक्ति मेरे लिए इससे ऊपर कोई नहीं, है ना, ऐसा होता है। मगर वहाँ क्या बात आ जाती है, ये हमारे पिताजी हमें समझाया करते थे, हमारे जो पिता गुरु हैं, मेरे जो पिता गुरु हैं पंडित अवध किशोर पांडे, जो इस चैनल के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं, वो ये चीज़ हमें समझाया करते थे। तो वही चीज़, यही एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आप सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक सेलिब्रिटी बनना है तो सेलिब्रिटीज़ जो हैं आपके जहन में, उन्हें पूजना बंद करना पड़ेगा आपको, उन्हें भगवान मानना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम कभी भी उस एक व्यक्ति से ऊपर नहीं उठ सकते जिसे हम सब कुछ मानते हैं। वो एक व्यक्ति हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो अगर आप सबसे ऊपर बनना चाहते हैं तो सबसे ऊपर तो आपने किसी को रख दिया ऑलरेडी, तो आप उससे ऊपर कैसे बढ़ेंगे। तो ये एक मानसिकता है, इसको आप गुरूर न समझें, इसे आप घमंड न समझें, इसे आप छोटी सी मेंटालिटी समझें कि देखिए, ऐसे तो आप संगीत में नहीं कह सकते कि मैं सबसे बड़ा हूँ। संगीत में किसी को नहीं कह सकते आप मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है संगीत में, ऐसा कोई मकाम नहीं है जिस पे आकर आप ये कह सकें कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मुझे इससे भी ज़्यादा आता है, मुझे इससे भी ज़्यादा आता है, मैं एक बड़ा कलाकार बन गया हूँ, मैं सबसे बड़ा कलाकार बन गया हूँ। सबसे बड़ा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि कोई डिग्री नहीं जा रही है यहाँ पे कि भाई ये बीए वाला है, मैं एमए वाला हूँ तो मैं इससे बड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये कला का विषय है, ये शिक्षा है, यहाँ पे जो ज्ञान है उसको नापा तोला नहीं जा सकता है, उसे बांट नहीं सकते आप। मगर एक मकाम हासिल करने के लिए, एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, आपको अगर किसी को सबसे ऊंचा मान लिया है तो ये ना समझो कि वो मुझसे ऊंचा है, है ना, बस इतना सा नहीं समझना। आपको उसको नीचे नहीं दिखाना है कि नहीं उसे कुछ नहीं आता है। दो तरीके होते हैं आगे बढ़ने के, दो तरीके हैं। एक तो आप मेहनत करके आगे बढ़ जाते हो, ये दो व्यक्ति हैं, दो फलां व्यक्ति हैं यहाँ पे, आप यहाँ पीछे हो, ये आपसे आगे है, इससे आगे आपको बढ़ना है तो या तो आप मेहनत करके आगे बढ़ जाओगे या आप कोशिश करोगे इसे पीछे खींच लो, इसे पीछे घसीटोगे, आप तो वहीं रहे, आपने तो कुछ प्रोग्रेस नहीं करी, मगर आप आगे ज़रूर बढ़ गए क्योंकि आपने इसको धकेल दिया। यही दो तरीके होते हैं, है ना। और दूसरा तरीका नेगेटिव है, ये कि आपने उसको धकेल दिया। ऐसा नहीं करना है कि आपको बड़ा बनना है तो दूसरे को नीचा दिखाओ। फलां एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि सोनू निगम साहब हैं, उनका एक एरा था, आज भी बहुत ऊंचे सिंगर हैं वो, उनसे आपको बड़ा बनना है, आपको कि सोनू निगम साहब मेरे आइडल है और उनसे बड़ा बनना है, तो आप ये नहीं कहने लग जाओगे कि मैं सोनू निगम से अच्छा गाता हूँ या सोनू निगम को कुछ नहीं आता मैं उससे ज़्यादा अच्छा गाता हूँ। ये तरीका नहीं होता है कहने का, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है बड़ा बनने का। खुद मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचना है आपको, उनकी बुराई करके आगे नहीं बढ़ना है, अपनी अच्छाई करनी है कि हाँ मैं अच्छा गाता हूँ, मैं बेहतरीन गाता हूँ। ये भले ही आप कह दो चलो मैं सबसे बेहतरीन गाता हूँ, मगर एक होता है आपका इस चीज़ में गुरूर कब आने लग जाता है, गुरूर तभी कहेंगे उसे जब आप किसी को नीचा दिखाने लग जाओ। अपने आप को ऊपर दिखाना गुरूर नहीं होता है, समझ रहे हैं, वो खुददारी है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी, अपने आप को ऊँचा दिखाना। किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाना वो गुरूर है, वो घमंड है, वो गलत है, है ना, वो नहीं करना है आपको। तो किसी भी बड़े कलाकार, किसी को भी आप कोई आर्टिस्ट है, आप उसको पूजने लगे हैं, ये सबसे ऊंचा है, मेरे लिए सब कुछ है, इसको बहुत कुछ आता है, मैं इसे मान के ही मैंने संगीत, कई होते हैं ना ऐसे कलाकार होते हैं, जैसे चलिए हमारा तो फैमिली का ये देन रही है, हमारे खानदान की देन रही है कि मुझे संगीत में, संगीत लाइन में आया। कोई संगीत लाइन में नहीं होता है और वो अगर इस विषय में आता है, इस फील्ड में आता है, वो किसी को देख के आता है, कोई आइडल मान के आता है, कला में आता है तो किसी को आइडल मान के आता है कि इनकी वजह से मैं बहुत इंस्पायर हुई, मैं इस फील्ड में आई, है ना। तो वो सब कुछ होता है उनके लिए, उससे ऊंचा वो देख नहीं सकते। अगर उनसे पूछा जाए कि अगर आपको बोला जाए कि आपको उस फलां व्यक्ति से बड़ा कलाकार बनना है तो वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं वो तो मेरे भगवान है, उनसे मैं ऊंचा कैसे हो सकता हूँ। तो वाली बात है,
तो वो नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी इतना ऊंचा मत समझ लो किसी कलाकार को कि आप ये कहने लग जाओगे नहीं मैं उससे ऊंचा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। आप जब कंपैरिजन करने लगते हो, आप ये बोलने लगे ये कम है ये ज़्यादा है, वहाँ घमंड आने के चांसेस होते हैं। कंपैरिजन करना ही नहीं है। कहते हैं मैं सबसे बेहतर हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम द परफेक्ट। आप अगर ये खुद को कहो तो ये चीज़ आपको मोटिवेशन देती है, आपको ऑप्टिमिज्म बढ़ाती है, आपकी जो क्या बोलते हैं उसको खुशफहमी, आपका ऑप्टिमिज्म बढ़ाती है, लेवल ऑप्टिमिज्म लेवल बढ़ाएगी, ना कि आपको घमंड देगी कि हाँ मैं सबसे ऊँचा हूँ, ये वाली बात नहीं है, है ना। और जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें आपके जहन में चलनी चाहिए कि मुझे अगर ऊंचा बनना है तो मैं एक किसी व्यक्ति को ही सब कुछ मान के बैठ जाऊं, फिर तो मैं कभी उससे ऊंचा नहीं उठ पाता हूं। तो बस इस चीज़ को मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी सेलिब्रिटी को आप भगवान मत मान लो, उन्हें पूजना शुरू ना कर दो, उनको मानो, उनकी अच्छाई उनकी खूबियाँ आपको पता होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनको अपना कंपिटिटर समझो। इस चीज़ पर आपको यकीन रखना है कि वो मेरा कंपिटिटर है, मेरा कंपिटिशन है, और वहाँ पॉजिटिव कंपिटिशन लो, है ना, टफ कंपटीशन हो जाएगा वो आपके लिए कि हाँ इनसे आगे बढ़ना है मुझे, इनसे जीतना है, वो एक कंपटीशन होगा। दिन रात आप ये लगे रहोगे कि हाँ ये मेरा टारगेट है कि इनसे बड़ा बनना है मुझे, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस बड़े की कैटेगरी क्या है, उनसे बड़ा होना मतलब क्या होता है, है ना, क्या उनसे ज़्यादा गाने गा लेना या उनसे ज़्यादा फ़ैन हो जाना आपके, है ना, क्योंकि फैंस की तो कोई काउंटिंग नहीं है जो आप कह दोगे कि इनके 10,000 हो गए मेरे 10,000 एक हो गए तो मैं ज़्यादा बड़ा हो गया, है ना। चलो गानों की काउंटिंग होती कि इन्होंने 15,000 गाने गाए मैं 20,000 गाने गा दूंगा, इनको 10 अवार्ड मिले मुझे 12 मिल जाने चाहिए, ये फिर भी काउंटिंग है, लेकिन कला की कोई काउंटिंग नहीं है। आप कला में बड़े नहीं बन सकते, है ना, क्योंकि सबके अपने अपने फ़ैन होते हैं, सबके अपने अपने श्रोता होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते उनके श्रोता मैं छीन लूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। उन्होंने उनके श्रोता उनकी किसी खूबी की वजह से उनसे जुड़े हैं, आपके श्रोता आपकी किसी खूबी की वजह से जुड़ेंगे, है ना। मगर फिर भी बस इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर बड़ा बनना है तो उन्हें कंपटीशन समझें, अपना अपना प्रतियोगी क्या बोल सकते हैं उसको, साथ में कि मुझे उनसे अच्छा अगर बेहतर बनना है तो एक कंपटीशन लगातार चलनी चाहिए, एक प्रतियोगिता बनी रहनी चाहिए, और एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं नेगेटिव नहीं कि नहीं उसे मैं कुछ नहीं मानता या उसकी बुराई करने लग जाए कि अरे मैं तो उनसे भी बड़ा हूँ, ये नहीं बोलना। उनसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा बोल सकते हो, पर उनसे फलां व्यक्ति का नाम नहीं लेना या फलां व्यक्ति को नहीं रखना, किसी को नीचा नहीं करना, बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि सेलिब्रिटी से कंपटीशन रखें अगर आपको बड़ा बनना है उस व्यक्ति से। धन्यवाद।